नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वास्तु के हिसाब से भूल कर भी ये चीज़ें बेडरूम में हरगिज ना रखें, आ सकती है आप पर भयंकर बर्बादी। यहाँ तक कि पूरा परिवार हो सकता है भिखारी और छा जाएगी घर में मायूसी। कौन सी वे चीज़ें हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में ऐसी ही कुछ चीज़ों का जिक्र मिलता है जिन्हें भूलकर भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ये वस्तुएं अशुभ होती हैं, अगर आप इन्हें बेडरूम में रखेंगे तो आप पर भयंकर बर्बादी आ सकती है। आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से वे कौन सी चीज़ें हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करना और इस जानकारी को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला पॉइंट, बेडरूम में इन्हें करें अवॉइड। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम में कभी भी झाड़ू, कढ़ाई, चिमटा, दराती, कनस्तर, तवा और डस्टबिन भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इन्हें रखने से जातक के जीवन में टेंशन ही टेंशन होती है। दोस्तों, धन के आगमन में भी बाधा उत्पन्न होती है, रिश्तों में दूरियां आती हैं। बेडरूम में लाल रंग के फूल का गुलदस्ता रखना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखें कि इस बेड के सिरहाने या फिर खिड़की के पास रखें, ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर किसी की मैरिड लाइफ में टेंशन हो तो वास्तु शास्त्र के अनुसार दंपत्ति को कभी भी अपने बेडरूम में कांटेदार या कोई भी नुकीला पौधा नहीं रखना चाहिए, फिर चाहे या शोपीस ही क्यों ना हो। इसके अलावा अगर बेडरूम का एयर कंडीशनर या पंखा खराब हो या फिर चलने पर आवाज़ आती हो तो उसे भी तुरंत ही ठीक करवा लें, अन्यथा यह स्थितियाँ दाम्पत्य जीवन में कले और दूरियाँ पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लाने के लिए बेडरूम में पति पत्नी को अपनी शादी की तस्वीर लगानी चाहिए, इससे दोनों के बीच प्यार बढ़ता है। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार भूल से भी कोई ऐसी फ़ोटो ना लगाए जिसका फ्रेम कहीं से टूटा या छिटका हो। इसके अलावा लड़ाई झगड़े या नाराज़गी को दर्शाती हुई तस्वीरों को भी लगाने से बचें। दोस्तों, यही नहीं, बेडरूम में ताजमहल की फ़ोटो या प्रतीक दोनों ही रखना अवॉइड करें। ये वस्तुएं नकारात्मकता बढ़ाती हैं, साथ ही पति पत्नी के बीच दूरियां भी लाती हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम में कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, या अशुभ होता है। इन्हें रखने से जातक के जीवन में धन संबंधी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को कोई ना कोई बीमारी घेर ही लेती है। वास्तु कहता है कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा का दोष हो तो उसे अपने बेड के नीचे स्टील के पात्र में जल भरकर रखना चाहिए, ऐसा करने से चंद्रमा का दोष दूर हो जाता है। जातक को मानसिक तनाव से भी राहत मिलती है। तो दोस्तों, ये थे वास्तु शास्त्र के बेडरूम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो वीडियो के माध्यम से हमने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। जानकारी पसंद आने पर एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।